मुझे टिकट ना ही कांग्रेस का चाहिए, ना बीजेपी का चाहिए, ना किसी और पार्टी का चाहिए। मुझे टिकट चाहिए पुनहाने की जनता का, वो मुझे मिल चुका है, उसको कोई नहीं काट सकता। देखो जिस तरीके से मैंने विकास किया था, आप सभी को पता, 5 साल में जितने विकास के काम हुए, SDM यहाँ बैठा, कोर्ट यहाँ आई, सब डिवीजन यहाँ, पानी का बना, रोडों पे जितना काम हुआ, मैंने 300 किलोमीटर के नए रोड यहाँ बनवाए थे, वो हमारे विकास काम उसी स्टेज पे रुक गए। 26 स्कूल मैंने +2 के कराए थे, 52 मैंने मिडिल स्कूल बनवाए थे प्राइमरी से, लेकिन हमारा विकास वहीं का वहीं नहीं है। इसको मैं चैलेंज करता हूँ, अगर ये एक काम बता दे अपना कि मैंने इसके लिए सरकार से लड़ाई लड़ी है और ये काम मैंने कराया है, इसने 5 साल। अब जब विधानसभा में रागनी गा रहा तो आपको पता ही है, बिरहेड़ा रागनी में सारा टाइम दे गया, हमारे यहाँ की जनता का भारी नुकसान इसने किया। देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ की आवाम का, यहाँ की जनता का, पंच सरपंचों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जितने जोश खरोश है, और काफ़ी नए सरपंच जैसे बिल्लू एक सरपंच पिनंगवा वो आए, और भी काफ़ी सरपंच हमारे साथ आए 22 के, इन सब का तहदिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये तो एक छोटी सी कार्यकर्ता मीटिंग थी जो रैली में तब्दील हो गई, तो लोगों में यहाँ का जो मौजूदा विधायक है उसके खिलाफ लोगों में रोष है, क्योंकि उन्होंने 4 साल तक कोई ध्यान लोगों की तरफ नहीं दिया, वो झिरका से चुनाव लड़ते रहे, अब आखिरी में आके यहाँ लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश उसने की है। तो आज आवाम जो यहाँ की है, वो भीड़, वो जोश खरोश देख कर आप सभी को लग रहा होगा कि जनता में पूरा माहौल हमारा बना हुआ है, और इंशाल्लाह मैं तो यहाँ की जनता का वो अल्फाज नहीं है जो मैं इनका शुक्रिया अदा कर सकूँ, जो इनका एहसान मैं उतार सकूँ। बरसी मनाई जाएगी, कब मनाई जाएगी और क्या मैसेज जनता को देना चाहिए? देखिए, जो मरहूम वालिद साहब की बरसी है वो 17 जनवरी को पुरहाना कस्बे में, जब गुलालता रोड जो आता है उसके सामने 2.5 एकड़ ज़मीन हमारी पड़ी हुई है, बड़े धूमधाम से वो बरसी मनाई जाएगी। मेरी सारी मेवात वासियों से, सभी लोगों से, 36 बरादरी के लोगों से मेरी अपील है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आकर मरहूम वालिद साहब को खिराज अकीदत पेश करें। मैं उन सब का बड़ा एहसान मंद रहूँगा, क्योंकि मरहूम वालिद साहब सभी के नेता थे, उन्होंने बड़े विकास के काम किए हैं, जो आज तक ये लाइन हमारी चली हुई है वो उन्हीं की बरकत है। तो यहाँ की जनता बहुत चौधरी साहब को चाहती है। मौजूदा विधायक की आप बात कर रहे थे कि विधानसभा में लोगों के मुद्दे ना उठाकर रागनी लगा रहे थे, क्या कहना है? मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, इसके अंदर समझदारी का कुछ पता नहीं है, क्योंकि हमें 3-4 मिनट विधानसभा में बोलने को एक विधायक को मिलती है, वो 3-4 मिनट में ना तो सिंचाई का मुद्दा, कोई पानी का मुद्दा उठाया, ना किसी रोड का मुद्दा उठाया, ना एजुकेशन का मुद्दा उठाया, सिर्फ वहाँ रागनी कह के जो तरीका या इसने अपना हुआ वहाँ रागनी वहाँ गाकर, मैं समझता हूँ पुनहाने विधानसभा के लोगों की उन्होंने बेइज्जती की है, हमारे मुद्दे उसने नहीं उठाए, तो इस तरीके से मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। देखो आज जो हालात है, अभी के हालात आप सभी ने देखे, इंशाल्लाह अगर यही हालात रहे तो मैं समझता हूँ कोई आदमी मुकाबले में नहीं थे। आज जितने लगभग 40 सरपंच यहाँ मौजूद आते, 35-40 एक्स सरपंच थे, कोई चेयरमैन था, गांवों के इलाके के मौजूदा व्यक्ति थे, जिस तरीके से आज माहौल था मुझे नहीं लगता ये मुकाबले में है, ये तो यहाँ बिल्कुल फेलियर विधायक। चुनावी सरगर्मी आ रही है और आपने कहा कि बरसाती मेढक आने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? भाई हम तो उनसे कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे, हम क्या कहेंगे, तो आते ही जब समय आता है, एक रूमर ये फैला रहे हैं कि अब तो जैसे भाई इधर से पुनहाना के नीचे से जो कैंडिडेट आ रहे हैं विधायक जी का नुकसान होगा, मेरा नुकसान तो तब भी नहीं हुआ, सारे टिकट पुनहाना के नीचे 2024 में थे, जेलदार भी था, सुबान का, दया भडाना साहब का, उन्होंने 53,000 वोट लिए हैं, आप लिस्ट निकलवा लेना, जब भी अल्लाह ताला ने यहाँ की जनता ने मुझे जिताया, मेरा वोटर तो वो वोटर है, कोई भी लड़ ले, मैं चैलेंज करता हूँ, मेरी वोट को नहीं टहला सकता भैया, मुझे कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करनी, मेरा फाइनल फैसला है यहाँ की जनता का फैसला, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। आपको पता जो हालात देश में चल रहे हैं, प्रदेश में भी चुनाव हुए, जिस तरीके का माहौल बना, मुझे तो सफ़ेद झंडे पे चुनाव लड़ना है, यही जनता का फैसला, यही हमारा फैसला। इलियास का कहना था कि आप कांग्रेस ज्वाइन करने वाले थे, लोमड़ी और अंगूर की कहावत भी आपके सामने रखी। मैं तो भैया किसी पार्टी का मोहताज नहीं हूँ, इलियास जैसे विधायक मोहताज होंगे, मैं मोहताज हूँ अपने पुनहाना विधानसभा की जनता का, मुझे टिकट ना ही कांग्रेस का चाहिए, ना बीजेपी का चाहिए, ना किसी और पार्टी का चाहिए, मुझे टिकट चाहिए पुनहाने की जनता का, वो मुझे मिल चुका है, उसको कोई नहीं काट सकता।
आपने विकास कहाँ तक छोड़ा था, आज किस तरह से विकास है? देखो, जिस तरीके से मैंने विकास किया था, आप सभी को पता, 5 साल में जितने विकास के काम हुए, SDM यहाँ बैठा, कोर्ट यहाँ आई, सब डिवीज़न यहाँ पानी का बना, रोडों पे जितना काम हुआ, मैंने 300 किलोमीटर के नए रोड यहाँ बनवाए थे, वो हमारे विकास काम उसी स्टेज पे रुक गए। 26 स्कूल मैंने प्लस टू के कराए थे, 52 मैंने मिडिल स्कूल बनवाए थे प्राइमरी से, लेकिन हमारा विकास वहीं का वहीं नहीं है। इसको मैं चैलेंज करता हूँ, अगर ये एक काम बता दे अपना कि मैंने इसके लिए सरकार से लड़ाई लड़ी है और ये काम मैंने कराया है, इसने 5 साल। अब जब विधानसभा में रागनी गा रहा है तो आपको पता ही, बिरहेड़ा रागनी में सारा टाइम दे गए, हमारे यहाँ की जनता का भारी नुकसान इसने किया।